सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं गैट आई ड्रॉप्स के बारे में। गैट आई ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स के मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, या आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, और आंखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में दिए जाने वाले आई ड्रॉप्स इतना यूजफुल क्यों है, और ऑप्थमिक डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो गेट आई ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप पर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं गेट आई ड्रॉप्स, जो कि हमारे पास 5 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 96.50 यानी कि 96 रुपये करीब इसकी MRP है। गेट आई ड्रॉप्स को अजंता फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी और बहुत सारे ऑप्थल्मिक प्रोडक्ट भी बनाती है। गेट आई ड्रॉप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है गेटिफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स, यानी कि गेट आई ड्रॉप्स के अंदर जो इंग्रीडियंट्स है उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो गेटिफ्लोक्सासिन है 0.3% वेट बाय वॉल्यूम इसके अंदर डाले गए हैं। गेट आई ड्रॉप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आंखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। गेट आई ड्रॉप्स एक एंटीबायोटिक्स दवाई है, इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया के विकास को अवरुद्ध करके काम करता है। यह आंखों में इन्फेक्शन के कारण होने वाले दर्द, लालपन, खुजली और चाले जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। सरल भाषा में बताएं तो गेट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल अगर आपकी आंखों में कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है तो आंखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। गेट आई ड्रॉप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स गेट आई ड्रॉप्स। गेट आई ड्रॉप्स के अंदर जो दवाई रहती है गेटिफ्लोक्सासिन, वो एक एंटीबायोटिक्स दवाई है, बैक्टीरिया को विभाजित होने और मरम्मत करने से रोककर आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करता है। ये DNA गायरस नामक बैक्टीरियल एंजाइम्स के काम को रोकता है। गेट आई ड्रॉप्स का यूज करते समय का प्रिकॉशन रखना चाहिए, दवा डालने के तुरंत बाद लगभग 1 मिनट के लिए आंख के कोने या नाक के करीब पर दबाव डालें। दूषित होने से बचने के लिए टिप को किसी भी सतह या आंख को न सूए। डोलेशन से बचने के लिए उसी आंख में अगली दवा डालने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक वेट करें। जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक न हो जाए तब तक कॉन्टैक्ट लेंस न पहने और बोतल को खोलने के सप्ताह के भीतर इसका इस्तेमाल करें। यानी कि गेट आई ड्रॉप्स को अगर आपने ओपन कर दिया है तो इसका इस्तेमाल विदिन 1 वीक के अंदर इसका इस्तेमाल करना नेसेसरी है। गेट आई ड्रॉप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में साइड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से गेट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो गेट आई ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। गेट आई ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थल्मिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।